सेवानिवृत्त हित लाभ को लेकर पेंशनर्सों ने दिया ज्ञापन, वहीं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। कोलारस प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स ने अपने हित लाभों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद राज्य पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, किंतु आज भी उनके हित को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाए। वहीं इसे लेकर सभी के परिवारों में असंतोष व्याप्त है और सरकार के प्रति घोर नाराजगी भी है। उनकी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी सभी को 50% महंगाई भत्ता दिया जाए, केंद्रीय तिथि से ही महंगाई राहत दी जाए। इस प्रकार कोलारस पेंशनर्स संघ द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम कोलारस को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये प्रोग्रेसिव पेंशन पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के जो सदस्य हैं, उनके यहाँ लोकल अध्यक्ष हैं, उन सबके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पेंशनर्स की समस्याओं का विवरण है, जिसमें वो राज्यों के पेंशनर्स को 50% की दर से महंगाई भत्ता और 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स की कुछ डिमांड, अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्ता बेटी को आजीवन थर्ड पार्टी पेंशन, छठवें और सातवें वेतनमान के एरियर्स, इससे संबंधित मतलब उनके मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया है, तो जो आज प्राप्त हुआ है दी जा रही है, जबकि अन्य राज्यों में 50% दी जा रही है। और हमारा जो धारा 49 है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, उसको तुरंत विलोपित किया जाए, जो कि उसमें हमें बहुत परेशानी आती है। हमारा 49 है, धारा 49 है, उसको विलोपित किया जाए और हमारा तुरंत महंगाई भत्ता राहत दिया जाए, और हमारे जो है आयुष्मान बीमा का जो लागू किया जाए मध्य प्रदेश में, जबकि सभी लोगों को लगभग सबको ये लागू हो गई है। हाँ, और 80 वर्ष की आयु में जो हमें 20% दी जाती है, वो 79 वर्ष में दी जाए, और पेंशनर राहत महंगाई भत्ता। दूसरे हमारी क्या है कि 65 वर्ष की आयु में 5% दी जाए, 70 वर्ष की आयु में 10%, 15 वर्ष की आयु 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 15% दी जाए, और 80% करने पर पूर्ण होने पर 20% दी जाए, और शिक्षकों का जो 7वां, 5वां और 6वां वेतन का दिया जाए, नगद भुगतान किया जाए एरियर। और ये हमारा ये एक मुख्य मांग ये है, 30 जून और 31 दिसंबर को जो कर्मचारी भाई रिटायर होता है, उसके साथ ही इंक्रीमेंट जून और 31 दिसंबर को जो इंक्रीमेंट नहीं लगाया जाता, वो लगाया जाए, जिसमें न्यायालय का प्रतीक्षा न की जाए, कि हमारी प्रमुख मांगे हैं। इन्हें बताएंगे 10 मांगे, उनकी मांगे पूरी दिया गया है। 5% लगाया, 60 वर्ष 70 होने पर जो है 10%, 75 वर्ष पूर्ण होने पर 15%, 79 वर्ष पूर्ण है, 80 वर्ष होने पर जो 10 बिंदु हैं बता दिए, जो बिंदु है पूरे ज्ञापन में ज्ञापन बता दिया है, 10 बिंदु हमारे।